कहना रे बाबा कैसे कर रहा है। अब हम सीधे कहाँ जा रहे हैं? सीधे हड्डी गोदाम चला जाए। जो मौदा का डिमांड हो तो पूरा करना पड़ेगा ना। हड्डियाँ सारी यही रही है, मांस पूरा आपने खा लिया है। हमारा फनी पाजी चैनल देखता था उसको बंद करते और अकबर भाई का चैनल चालू कर दो। मैं हूँ आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत धमाका होने वाला है, क्योंकि हमारे भिलाई में आ चुके हमारे इकराम भाई और हम आपका बटालियन गेट पे हमें रिसीव करने आए हैं। और आपका मौदा से एक बड़ी बड़ी डिमांड आ रही कि भाई फरीदनगर हड्डी गोदाम का व्लॉग करिए। और स्पेशली हम निकल रहे हैं फरीदनगर के लिए हड्डी गोदाम का व्लॉग करने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो इस व्लॉग को एंड तक देखना, स्किप तो बिल्कुल मत करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। तो बस इकराम भाई चलें। चलो चलो। तो कहाँ कहाँ चलने वाले हैं? पहले चलेंगे फरीदनगर, फिर चलेंगे सिविक सेंटर। अरे वाह, हम भी अपना कार्ड खाली करके आएंगे, शूट बहुत कुछ करना है। आज बहुत ज्यादा घूमना है। अच्छा, दो लोग मिलते हैं ना तो वहाँ मस्ती मस्ती नहीं राज होता है, क्या बात है। तो चलिए चलते हैं। आप भाई बहुत मजा आने वाला है, बहुत धमाका होने वाला है। तो भाई ये हमारे भिलाई की सड़कें, और ये जो आप सामने आप रोड देख रहे हो ये जाता है नेहरू नगर चौराहा। और तो ये है आपका नेहरू नगर चौराहा, और ये आप सामने देखो गुरुद्वारा। ये अभी जैसी शाम होगी तो लाइट से एकदम जगमगा जाएगा, अगर हम रात में आएंगे तो इसको जरूर कैप्चर करेंगे। तो ये हमारा गुरुद्वारा है जो कि बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, भिलाई का सबसे बड़ा, और बहुत बेहतरीन रात में जगमगाता है। एंड आ रहे फरीदनगर, ये हमारे इकराम भाई। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत धमाका। तो ये हमारा सामने जो बोर्ड देख रहे हैं ये हमारा फरीदनगर चौराहा आ चुका है, लिखा हुआ फरीदनगर भिलाई तीन तुम्हें राधिका नगर पावर हाउस। तो ये जो रोड जाती है आपकी जाती है फरीदनगर। तो भाई फरीदनगर का फ्लेवर और मौदैया फ्लेवर मिलने वाले इस ब्लॉग में इकराम भाई की बदौलत। तो बस फरीदनगर चौक पहुंचने वाले हैं, और ये सामने आप जो रोड देख रहे हो फरीदनगर चौक जा रहा है। और आहा क्या बात है, मतलब ब्रेकर की एक अपनी बात, आप नहीं देख सामने कौन ब्रेकर है। ये पूरे मैक्सिमम जो है तो मौदहा वालों के ही घर है। ये सामने हमारा फरीदनगर मैदान है, वाला वही तो है। अच्छा रे, हाँ यार ये मैदान तो बहुत चेंज हो गया दो साल ना, निजामी चौक और माशाल्लाह से फरीदनगर में आइए। ये चौक बहुत ही ज्यादा फेमस है, निजामी चौक, और ये सब आप देख रहे हैं। ज्यादातर पहुँच चुके हैं फरीदनगर, फरीदनगर हम पहुँच चुके हैं। और खैरियत सब बढ़िया, संताम भाई और ये हमारे चाचू की लड़के और पापा सही है, हमारे बाप दादा समुदैया है। पुराने टाइम में यहाँ पे ब्लैक स्टील प्लांट बना तो हम लोग आके यहाँ बस गए, बस गए और मौदा को छोड़ दिया। मौदा को छोड़, मौदा दिल में सीने में, जब भी किसी भाई की शादी होती है कोई त्यौहार आता है। ये तो बढ़िया है। सो भाई रहते हैं फरीदनगर भिलाई में, लेकिन जो दिल है वो अभी भी अपने मौदैया है और मौदा में दिल है। तो एक मौदा का फ्लेवर अगर आपको छत्तीसगढ़ में देखना है तो मौदा पारा जाइए या भिलाई आ जाइए या दुर्ग आ जाइए, आपको सारा फ्लेवर मिल जाएगा। और बाकी इस ब्लॉग को स्किप नहीं करना, ये बहुत धमाका बाकी है। इकराम कुछ कहिए, का कहिए, वही हाल है अपना, जैसे मौदा मर रहा है। अच्छा। साथ में पढ़त के साथ में पढ़े हम दोनों एकदम। तय कभी आओ तो? के 20 दिन कम से कम। 20 दिन आपका वापसी कब की है? जाऊंगा ना रे बाबा, कैसे कर रहा है। अरे तो अगर वो एक दो महीना रुक जाए लगे क्या रे, मेरे को रे तेरे को रे कहीं पड़ी है बेला, इस चार महीना रही के जगने सऊदी में जगने क्या तो क्या बोलते मैं लखनऊ में नहीं था भाई। अकबर भाई और खैरियत, तो हमारे सब्सक्राइबर भी आ चुके हैं, मतलब हमारी आधी जनता भिलाई की भी है जो हमारे ब्लॉग्स देखती है और उसका क्रेडिट पूरे मौदहा को जाता है। पूरे मौदहा के लोग यहीं पे हैं। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे इकराम? हड्डी गोदाम। पूरा हड्डी गोदाम, पहले मुझे क्या लगा कि भाई ने कहा हड्डी गोदाम का ब्लॉग करना, तो मुझे लगा जो हड्डी गोदाम है वो किसी इंसान के जब अपने मौदा में महबूब गड्डी है तो ऐसे कुछ इंसान का हड्डी गोदाम कुछ रखा होगा। बाद में पता कि हड्डी गोदाम जगह का नाम है जहाँ पे सारे मौदैया रहते हैं। तो चलो इसलिए हमने कहा कि चलो हम हड्डी गोदाम का ब्लॉग करके आते हैं, मौदा से बहुत डिमांड आ रही थी। आप तो भाई हमारे चाचू भाई। अच्छा चाचू भाई, पुरानी नाथ नेता के भाई हैं। अच्छा अरे वाह क्या बात,
तो ये हमारे श्रीनाथ नेता जी के भाई हैं। अभी हमारे सदरुद्दीन हुसैनगंज के। क्या बात है, ये स्मार्ट। ओहो, अस्सलाम वालेकुम भाई। खैरियत? तो ये हमारे क्लासमेट है जुगनू भाई और मोदा से कब आए? एक डेढ़ महीने। चलो बढ़िया है, क्या बोलते हैं, अगर उम्मीद न रहता मिल जाएगी। पता न रहा ना ये, तो मतलब नहीं मान। पाँच साल। अरे 5 साल ये नहीं पता, प्रेजेंट टाइम ये अचानक है, प्लान बनेंगे ना। तो खैरियत? बढ़िया दुआएं। और बताइए क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? खैरियत? सब बढ़िया। और क्या हो रहा है? बस सब फर्स्ट क्लास। कहाँ जा रहे हो? आपको देखा तो आ रहा था। अच्छा अच्छा। एंड भाई, मोदा के बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा चलिए सबको कवर करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। एंड अभी हम जा रहे हैं आपका सबब पी के यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब उनसे मुलाकात हुई थी। तो चलिए मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। हम ये 2 साल पहले आए थे तो पूरा मैदान था, और अब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, और हम हमेशा की तरह घर भूल जाते हैं। किराना स्टोर पता नहीं किसका है, लेकिन आई होप कि मोदा वालों का होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोदैया रहते हैं और आपको यहाँ पे मोदैया सुनने को मिल जाएगी। तो ये गेट है, ये आपका इमाम चौक का मैदान है, यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, ये है, और ये आपका हमारी सबअप्पी का घर है। 2 झंडे लगे माशाल्लाह से, क्या बात है। और यहाँ पे इन्होंने पेड़ पौधे बहुत लगा रखे हैं ये सारे। सबअप्पी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? हाँ, व्लॉग करते आ रहे हैं हम। क्या आज इतना बड़ा उज्जा चिकन करो? ओहो, क्या होता? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम चमाचम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और मामू आ गए। श्याम भाई, और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई, ये जो फैमिली है ये हमारे मोदा की है, और हमारे बलुआ भाई है, उनके चाचा के लड़के हैं, और हम पहले रहते थे आगू मोहल्ला में। तो हमारे घर के जस्ट पीछे सब अप्पी का घर था, और बलुआ कलुआ सब हम लोग बहुत छोटे सब वहाँ पे खेलते थे, लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है। लेकिन ये शुरू से यहाँ भिलाई पे रही है, तो बहुत वक्त से मिलना मिलना हो रहा था, तो फाइनली आज मुलाकात हो ही गई है। महबूब गड्डी है, तो ऐसे किसी को होगा, मैं बोला जाऊंगा तो पूछूंगा भाई हड्डी को दाम कौन है, उसको मिलवा दो करके। मैंने बाबू लो, ये आपके जो है चीज खाने के लिए काटी पे। वैसे बप्पी के यहाँ से निकले हैं और हम जा रहे हैं निजामी चौक, वहाँ पे इकराम वेट कर रहा है। तो अभी इकराम, हम कहाँ जा रहे हैं? ताज होटल, महबूब भाई की होटल। जो अपने मोदा में जल्ला भाई हैं, और जल्ला भाई मोदा की तरह यहाँ भी जो नांदों का मजा है वो दे रहे हैं पूरे फरीदनगर में। ओहो, जल्ला भाई क्या हाल है? यहाँ भी मतलब मोदा का तड़का लगा दिया नांदों का, पूरा मोदा का तड़का ना चल रहा है यहाँ फेमस है एकदम। अच्छा, मोदा मोदा की रोटी, मोदा का तंदूर। अरे वाह, ये देखिए, ये हमारे मोदा की बड़ी फेमस नांद, और ये जल्ला भाई मोदा में भी बहुत अच्छी नांद बनाते हैं। और यहाँ पे भी देखो, एकदम बिल्कुल लोहिया कट रही है और रोटियाँ बन रही है। यहाँ दालचा नाल मिलता है, बहुत फेमस। और ये है अपना निजामी चौक, और यहाँ कोटेशन लिखा हुआ है, मुस्कुराते रहो आप निजामी चौक पर हैं, तो हमेशा मुस्कुराइए। और ये आपका, ये माशाल्लाह हमेशा ऐसे सजा रहता है। और अब हम सीधे कहाँ जा रहे हैं? सीधे हड्डी गोदाम चला जाए, जो मोदा का डिमांड है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। वालेकुम सलाम, हड्डी गोदाम का सैर कराते हैं। चलिए चलिए, हमारी पूरी मोदा की पार्टी। सोएब भाई, सोएब हमारे नेता जी है, सब बढ़िया। क्या बात है, लखनऊ से यहाँ आगा काम। मैं सोच रहा था आपके घर ही लेके आ रहा था दूसरी साइड दिखाने के लिए, लेकिन आप यहीं मिल गए। ये इमाम बड़ा है, कौन सा इमाम बड़ा है, क्या नाम? खुदा इमाम बड़ा है, जो सैयद खुदा इमाम बड़ा है, यहाँ ताजिया रखा जाता है। अच्छा, KGN किराना स्टोर। हाँ, ये दाऊ बड़ा के नाम से फेमस है। दाऊ बड़ा के नाम से फेमस है। कल आएंगे या फिर जब भी आएंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह जरूर पियेंगे, कितनी भी ठंडी हो जाए। अच्छा, तो ये हड्डी गोदाम जो है आपका यहाँ से चालू है, यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट है हड्डी गोदाम का। और लाइट, हड्डी गोदाम की बस्ती, ये हड्डी गोदाम की बस्ती। तो लाइट अपना ठीक ठाक मिल रही है, तो ये अपना ठीक ठाक मिल रहा है लाइट वगैरह। और
अच्छा न्यू रखी है, क्या बात है, ये अपने हड्डी गोदाम को बसाने वाले लोग हैं। आए मुंबई से ब्लॉग बनाने। ये पूरा पूरा सही है, इधर पूरा ये अंदर ये पतली सी कुलिया जा रही है। और ये हमारे चित्तू खालू की दुकान। चित्तू खालू अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बहुत ही बुजुर्ग खालू है। बुजुर्ग नहीं, जवान लग रहे हैं। नहीं है तो बुजुर्ग, लेकिन अभी जवान। मोदा के मोदा के हैं, क्या बात है। नहीं बहुत बढ़िया। अपने मोदा पे कहाँ पे बताओ। हैदरिया मोहल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादातर यहाँ मोदा वाले रहते हैं और शफीक भाई काफी मेहनत कर रहे हैं। ये अपन हड्डी गोदाम के मेन एरिया में। अच्छा ये हमारा हड्डी गोदाम का मेन एरिया है। अच्छा मोदहा में ये पप्पू खान समाजवादी पार्टी के हैं, उनका है, तनवीर भाई का। पिंटू भाई को जानते हैं आप मोदहा में? हाँ हाँ। अच्छा साहब का है। अच्छा ये पिंटू भाई के बहनोई साहब का घर है और ये हम चल रहे हैं। ये हमारे हड्डी गोदाम के भाई लोग हैं सब, है ना। ये भाई कैसे हो? यहीं पे सब बढ़िया। तो भाई छोटा सा ये ताशा कौन बजा रहा है? बेटा थोड़ा रुक जाओ, पूरा मुहर्रम यही निकाल दोगे। तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हड्डी गोदाम क्या है, तो ये हड्डी गोदाम नाम कैसे पड़ा? शुरू से हमारे दादा परदादे लोग काम करते थे चमड़े का। अच्छा यहाँ मतलब पूरा हड्डियों का गोदाम होता था। हाँ। तो नाम तब से पड़ गया हड्डी गोदाम, तो आज भी हड्डी गोदाम के नाम से ही फेमस है। 50 साल हो गए हमको बस। अच्छा अरे वाह क्या बात है। 70 साल हो रहा है पर हम 50 साल ही बोले। हमारे पुरखों के यहाँ पे जमीन था। अच्छा तो इसलिए नाम था इसका हड्डी गोदाम। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई हम लोग टहल रहे हैं हड्डी गोदाम और ये हमारी पूरी टीम आपको दिखा दे जो हमें पूरा विजिट करा रही है हड्डी गोदाम। भाई ने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, काफी चीजें बताई। हमारे शफीक भाई, शारिक भाई, सॉरी इकराम भाई, इकराम भाई की सबसे ज्यादा मेहनत है, हमें लेके आए। एंड इनक्रेडिबल ये मेन आदमी है ये हड्डी गोदाम का। मामा है ये अपना, देवरू मामा नाम है इनका। बहुत ही अच्छा आदमी है। क्या बात, बहुत ही अच्छा आदमी। हड्डी गोदाम का सबसे मेन ठीक है हड्डियाँ सारी यही रही, मांस पूरा आपने खा लिया है। तो भाई और इनक्रेडिबल मोदहा की जो डिमांड थी उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये था हमारा हड्डी गोदाम का टूर और जो लोग यहाँ से हैं या जो लोग जानते हैं या जो लोग रहते हैं स्पेशली हमारे मोदहा के, वो लोग ज़रूर आप पहचानेंगे भी कौन सा किसका घर है। तो आपने बड़ी मेहनत की राम भाई, मज़ा आया नहीं आया? अरे मज़ा आएगा। तो अभी हम यहाँ से जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं मेरे पीछे से, ये आपका सीधा जा रहा है निजामी चौक और हम अभी इसके बाद हम कहाँ निकलेंगे? अब हम जा रहे हैं सीसी, वहाँ पियेंगे चाय और वहाँ का ब्लॉग करते हैं। हमने चाय के यहाँ चाय पियेंगे। आपके मोदहा का बंदा 2 मिनट और मोदहा की जनता के लिए कोई मैसेज? जो हमारा फनी पाजी चैनल देखता था उसको बंद कर दे और अकबर भाई का चैनल चालू कर दो। चलिए थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया भाई ने। एंड रुक्कू भाई को सलाम नहीं बोलना मेरा। बिल्कुल रुक्कू भाई को सलाम बोलना। बिल्कुल रुक्कू भाई देख रहे हो तो भाई को जवाब दे दीजिए। और इकराम पठान को बिल्कुल 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 सलाम। इकराम इनक्रेडिबल मोदहा के लिए कुछ बस दे दिया तुम्हारे लिए, बहुत मोदहा आपका निजामी चौक अगेन। खैरियत? जावेद भाई हमारे खैरियत, और इनसे मिलना बहुत लोगों की ख्वाहिश है। इनसे इस तरह वाकिफ है। क्या बोलेंगे आप? जगह एक पुल था जो बना दिया गया अभी, झंझरिया पुल। अभी पहले तो वो जर्जर था जैसे ये बता रहा है। साहिल कुमार पुट्टे, साहिल पुट्टे, पुट्टी लगा, पुट्टी का काम करता है। नहीं नहीं, अच्छा नाम है इंस्टाग्राम में साहिल पुट्टे। अरे वाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए? सब बढ़िया है। नान को खिला रहे हैं पब्लिक को। अच्छा नहीं नहीं बहुत बढ़िया। ये जल्ला भाई अपने जो तो नान खिला रहे हैं पूरे मोदहा वालों को और भिलाई वालों को। सोनू भाई है। अच्छा ये सोनू भाई हैं, पुराने लखनऊ में देखी ना सोनू का चैनल चलिए। ये है इकराम भाई जो मोदहा से हमारा फनी पार्टी।